के लिए हमेशा से डूंगरपुर नगर परिषद चर्चा में रहा है। अब दिव्यांग बेरोजगारों के कौशल विकास के लिए जो कदम नगर परिषद के द्वारा उठाया गया है वो वाकई काबिले तारीफ है। देखिए रिपोर्ट। किसी नगर में सफाई और स्वच्छता की बात हो तो डूंगरपुर का ख्याल सबसे पहले जहन में आता है। दरअसल डूंगरपुर नगर परिषद ने जितने नवाचार किए वो यहाँ के लोगों के लिए हमेशा से ही खुशियां लेकर आए हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वच्छता को लेकर किए गए डूंगरपुर नगर परिषद के प्रयासों की तारीफ कर चुके हैं। अब डूंगरपुर नगर परिषद ने नई पहल करते हुए बेरोजगार दिव्यांग जनों को संबल देने की तरफ कदम बढ़ाया है। जो शहर के दिव्यांग लोग थे, जो रोजगार के लिए भटक रहे थे और कई बार वो अनेकों संस्थाओं के पास गए और सरकारी कार्यालयों के भी दरवाजे खटखटाए, जब उन्होंने नगर परिषद की शरण ली तो हमने तुरंत उनके लिए एक बड़े हॉल की व्यवस्था की और उसमें उनके लायक जो जो मशीनें उनको आवश्यकता थी नगर परिषद ने वो सारी मशीनें उन्हें उपलब्ध कराई। कौशल विकास के लिए नगर परिषद मुफ्त ट्रेनिंग दे रहा है, साथ ही जरूरी साजो सामान भी मुहैया करवा रहा है। इतना ही नहीं, इनकी तरफ से बनाए जाने वाले उत्पादों की बिक्री के लिए एक दुकान भी उपलब्ध करवाई गई है। इस पहल से फिलहाल शहर के करीब 50 दिव्यांग बेरोजगारों को फायदा पहुंच रहा है। हमारे यहाँ करीब 50 दिव्यांग स्थायी रूप से काम कर रहे हैं, जिसके अंदर कागज की थैलिया, सिलाई मशीन से कपड़े की थैलिया बनाना और थालियां बनाना, थालियों के ऊपर पूजा की सामग्री जिस तरह से दिए वगैरह बनाकर लगाना, तो इस तरह से वो अनेकों प्रकार के कार्य कर रहे हैं और उनके लिए हमने एक दुकान, एक केबिन निशुल्क, ये सारी व्यवस्थाएं नगर परिषद ने निशुल्क बिना किसी शुल्क के हमने ये उपलब्ध कराई है। दिव्यांग कौशल विकास केंद्र में मीनाकारी, सिलाई, मसाले, हैंडबैग, पूजा की थाली, गुलाल बनाने समेत अन्य उत्पाद बनाने का काम सीख रहे हैं। केंद्र तक दिव्यांग जनों को लाने ले जाने के लिए भी नगर परिषद ने ही व्यवस्था की है, जिससे दिव्यांग बेरोजगार बड़े खुश हैं। इसमें जो रोजगार मिल रहा है, इसमें अलग अलग गतिविधि में हम लोग जैसे पातल दूना बनाने का है, मसाला उत्पादन का है और सिलाई का जो बैग्स बनाने का काम है और ये जो ज्वेलरी का जो आइटम है जैसे पूजा की थाली है, गले के हार है, टॉप्स है, आजीविका से जोड़ने के लिए एक सराहनीय प्रयास जो नगर परिषद की ओर से जो हमको मिला है। दिव्यांग जनों का ये भी कहना है कि स्वरोजगार जैसी व्यवस्था से वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकेंगे। गरीब बेटियों को गोद लेकर उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी उठाने की बात हो या बेरोजगार युवाओं को निःशुल्क कोचिंग के जरिए रोजगार के लिए तैयार करने की बात, डूंगरपुर नगर परिषद हर क्षेत्र में बेहतर काम करता रहा है और अब दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई अनूठी पहल की हर तरफ तारीफ भी हो रही है। अखिलेश शर्मा, जी मीडिया, डूंगरपुर।